कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। देखा जाए तो देश और प्रदेश में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, सभी में पुलिस की अहम भूमिका होती है। अगर समय रहते पुलिस सचेत हो जाए तो निश्चित तौर पर वह कई बड़ी घटनाओं को होने से रोक सकती है। ऐसा ही एक मामला अमेठी में देखने को मिला, जहां पुलिस की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई। अगर पुलिस पहले से मामले की संजीदगी को समझ जाती तो आज उसके परिजनों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस प्रकरण में अमेठी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल ताजा मामला सामने आया है अमेठी जनपद के जयास थाना क्षेत्र के फतेहपुर मवैया गाँव से, जहां के निवासी शमशेर सिंह के घर शादी समारोह में शामिल होने आई महिलाएं जब शौच के लिए बाहर गईं, तब गांव के ही कुछ लोगों ने उनके साथ शराब पीकर अभद्रता करने की कोशिश की। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस को इस मामले की तहरीर देने के बाद चौकी प्रभारी मदन पाल ने तहरीर को फाड़कर फेंक दिया। साथ ही मदन पाल ने ही उन लोगों को शमशेर के घर वालों के साथ मारपीट करने के लिए पैसे भी दिए। घर में शादी थी 6 तारीख को, 7 तारीख को बारात वापस गई और वहाँ पे जहाँ पे ईंट की पथाई होती है, जहाँ पे जहाँ का मामला है जी, उसके बगल एक बगीचा है, वहाँ महिलाएं सोच के ले जाया करती जब से वहाँ आई थी जी, 2-3 दिन से। तो वो लोग वहाँ बैठे शराब पीते थे और 7 तारीख को रात में उन्होंने, महिलाएं आ रही थी सोच के बाद, तो वहाँ पे गालियां दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। तो महिलाएं से छीना झपटी की, उनकी चैन और एक कान का छीन लिए हैं। उसके बाद हमने थाने में आके FIR भी करवाया। तो उसके बाद मदन पाल दरोगा जी हैं, चौकी इंचार्ज जो भी हैं, मदन पाल जी ने मेरा वो फाड़ दिया और महिलाओं से पूछा कहाँ छेड़खानी किए हैं। मतलब क्या फाड़ दिया? वही एप्लीकेशन फाड़ दिया मेरा। अच्छा, मेरा एप्लीकेशन फाड़ दिया, पूछे कहाँ छेड़खानी किए हैं, क्या क्या मतलब अवधि में बोल रहे हैं, कहाँ चुरा ले आता है, नशे में एकदम नशे की हालत में दूध थे। अच्छा, उसके बाद गालियाँ दिया, उनके बाद उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई कि वहाँ भी नहीं है, यहाँ मामला 10 बजे रात का, यहाँ वो पहुँचते 1:30 बजे रात को है। उसके बाद आके घर में महिलाओं का दरवाजा खटखटा के महिलाओं को गालियां देते हैं और उसके बाद वहां पे जो वो है हरजन है उनसे कहते हैं इनको मारो तो तुम्हें 70,000 रुपए भी मिलेगा। अब जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर जनता अपनी न्याय लेकर कहां जाए? जब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो ऐसे में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें शमशेर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान शमशेर सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने फुरसतगंज थाना क्षेत्र के तेंदुआ चौराहे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। वहीं 2 घंटे तक जाम लगने के बाद मौके पर पहुंचे ADM ने चौकी प्रभारी मदन पाल के सस्पेंड होने और हत्या का मामला दर्ज करने की परिवारजनों की मांग को पूरा करने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया। NTTV भारत के लिए अमेठी से मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।